शिरोमणि अकाली दल ने आज कहा है कि वह राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए राजा के किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार है। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि अनुपस्थित रहने और पद के लिए राजा के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से उनके आवास पर हुई मुलाकात के बाद बादल ने यह बात कही। उन्होंने कहा, अकाली दल पूरी दृढ़ता के साथ भाजपा के साथ खड़ा है और पद के लिए राज्य के किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करेगा। वहीं शिवसेना ने कहा है कि राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव के लिए वह राजक के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। शिवसेना से राज्यसभा के सदस्य संजय राउत ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात कर 9 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए समर्थन मांगा था। राउत ने कहा, अमित शाह ने आज उद्धव जी से बात की और शिवसेना से समर्थन मांगा। हमने जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला लिया है क्योंकि उपसभापति का पद गैर राजनीतिक है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जदयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि पीजे कुरियन के अवकाश ग्रहण करने के कारण जून से ही उपसभापति का पद खाली है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि विपक्ष संयुक्त रूप से इस पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। वर्तमान में उच्च सदन में 244 सदस्य हैं। यदि किसी चुनाव की स्थिति में सभी सदस्य उपस्थित रहते हैं तो जीत के लिए 123 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। न्यूज टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।